हे गाइस, आप सबका कोया ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं ऋषिवाड़ा, जहाँ बहुत पुराना मंदिर है वो आप लोग को दिखाएंगे। और मंदिर अंदर कौन कौन सा भगवान का मूर्ति है अभी तो देखे नहीं है, जा रहे हैं, जाते हैं फिर आप लोग को दिखाएंगे और उसका स्टोरी बताएंगे। मेरे साथ हैं दो जने भाई लोग, जो जो देख रहे हैं आप लोग सामने जा रहे हैं, धूप भी बहुत है, तो जाते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं मंदिर। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आप लोग को वीडियो लाते रहेंगे। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। और ये तालाब जो आप लोग देख रहे हैं, और ये पहाड़, जस्ट पहाड़ नीचे ही मंदिर, अभी आप लोग को दिखाते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं मंदिर, बहुत पुराना है, पूरा पत्थर से बनाया गया है, तो अभी आप लोग को दिखाते हैं पास में ले जाके। और इधर बहुत सारा मूर्ति रखा गया है, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मूर्ति शंकर भगवान का है। और ये मूर्ति आप देख सकते हैं, ये भी बहुत पुराना है, ये योद्धा महिला का, जो आप लोग देख सकते हैं ऊपर में तलवार पकड़ी हुई है। इधर भी है मूर्ति, और ये जो आप लोग देख रहे हैं नंदी, जो मंदिर सामने करके देख रहा है, और यही मंदिर है। और ये गणेश का मूर्ति है, और उधर भी मूर्ति है, और जस्ट मंदिर के ऊपर में भी मूर्ति है, पता नहीं चल रहा है क्या का मूर्ति है। तो और अंदर जो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मूर्ति बनाया गया। और अंदर आप लोग को दिखाते हैं, अंदर है शंकर और पार्वती का मूर्ति, और उधर और है मूर्ति, शायद समझ नहीं आ रहा कौन सा भगवान का है। और ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर साइड डिजाइन। कांकेर में 12वीं सदी में सोमवंश राजाओं का शासन हुआ करता था। इन राजाओं में सिंहराज, बाघराज, कर्णराज जैसे शक्तिशाली राजा हुए। सोमवंश का शासन छत्तीसगढ़ कांकेर में 1125 ईस्वी से 1344 ईस्वी तक था। सिंहराज इस वंश के संस्थापक थे। माना जाता है कि सोमवंश पांडु वंश की एक शाखा थी। कांकेर जिला में आज भी यहां के पहाड़ों, जंगलों, नदी में अपनी रहस्यों से छुपा हुआ है। गांव से कुछ दूर पहाड़ के नीचे एक तालाब के पास एक वीरान जगह में यह मंदिर बनाया गया है। मंदिर में देख रेख नहीं होने के कारण यह मंदिर टूट फूट सा गया है।